हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन सिनेमा। आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.9 के क्वेश्चन नंबर 2 को क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 4 को सॉल्व करने वाले हैं। ये जो एक्सरसाइज है, ये हमने सिंध टेक्स्ट बोर्ड की बुक है, हमने उससे मैथमेटिक्स की बुक है, हमने ये वहाँ से ये एक्सरसाइज और ये सवाल हमने वहाँ से उठाए। हमारे पास बी प्लस वन अपॉन बी इज इक्वल टू 3, हमारे पास ये सवाल में गिवन है, और बी क्यूब प्लस वन ओवर बी क्यूब की वैल्यू हमें सवाल में फाइंड करनी है। तो हम दोस्त हमें एक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, हमें एक फॉर्मूला ये वाला यूज़ करना पड़ेगा, जो फॉर्मूला हमारे पास है बी प्लस वन ओवर बी का होल क्यूब, ये बराबर होता है हमारे पास बी क्यूब प्लस वन ओवर बी क्यूब प्लस 3b मल्टीप्लाई बाई वन ओवर बी, और ये हो जाएगा हमारे पास बी प्लस वन ओवर बी। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, तो ये फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा रेफरेंस के लिए कि यार ये फॉर्मूला यहाँ से आया है। ए प्लस बी का जो होल क्यूब होता है, ये होता है हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ए प्लस बी। तो हमने यहाँ पर ए को बी से रिप्लेस कर दिया और बी को वन ओवर बी से रिप्लेस कर दिया हमने। तो जब आप बी ए को बी से रिप्लेस करेंगे और बी को वन ओवर बी से रिप्लेस करेंगे, तो आपके पास ये वाली शक्ल बन के आ जाएगी। इस वाले फॉर्मूले को हम इस तरह पढ़ सकते हैं, बी प्लस वन ओवर बी का होल क्यूब इज इक्वल टू बी क्यूब प्लस वन ओवर बी क्यूब प्लस 3b मल्टीप्लाई बाय वन ओवर बी मल्टीप्लाई बाय बी प्लस वन ओवर बी। सही, ये सिंपल इसी है, बस आप ए की जगह बी पुट करा दें और बी की जगह वन ओवर बी पुट करा दें, तो आपके पास ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार हर सवाल के लिए सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको सिर्फ सवाल की कंडीशन देखनी पड़ेगी। यार सवाल की कंडीशन क्या है, सवाल में क्या गिवन है, सवाल में हमारे पास a प्लस बी का a प्लस बी की मिसाल दे रहा हूँ, a प्लस बी की वैल्यू गिवन है और ए क्यूब प्लस वन ओवर ए क्यूब की वैल्यू वन ओवर बी क्यूब की वैल्यू पूछ रहा है सवाल में, मतलब बी प्लस वन ओवर बी की वैल्यू सवाल में गिवन है और बी क्यूब प्लस वन ओवर बी क्यूब की वैल्यू सवाल में हमें पूछ रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, इससे बी क्यूब प्लस वन ओवर बी क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है, बी मल्टीप्लाई बाई ये कैंसिल हो जाएगा और बी प्लस वन ओवर बी की वैल्यू हमें इसमें गिवन है सवाल में। तो आइए इसके सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद हो सकता है आपको ये चीज़ समझ में फौरन आ जाए। हमारे पास बी प्लस वन ओवर बी की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो आप यहाँ पे 3 रख देंगे। इसी स्टेप को मैं आगे यहाँ से आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। बी क्यूब ऐसी रखे रहेगा, बी क्यूब प्लस वन ओवर बी क्यूब ऐसी रहेगा, 3 ये रहा, b मल्टीप्लाई बाई 1 ये हो जाएगा b अपॉन b कैंसिल आउट हो जाएंगे, जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है ना b अपॉन b, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा डायरेक्ट। तो आप b मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर b की जगह आप डायरेक्ट 1 लिख दें, आपने डायरेक्ट 1 लिख दिया, और यहाँ पे b प्लस 1 ओवर b, b प्लस 1 ओवर b की वैल्यू सवाल में हमें गिवन थी वो थी हमारे पास 3, तो आपने 3 लिख दिया इसको। सही, बी प्लस वन ओवर बी की वैल्यू 3 है और 3 के बाद से उसका होल क्यूब है, होल क्यूब बी क्यूब ऐसे आ जाएगा, वन ओवर बी क्यूब ऐसे आ जाएगा, प्लस ऐसे आ गया 3 ऐसे आ गया, बी मल्टीप्लाई बाई वन ओवर बी की वैल्यू आंसर आ गया 1, बी प्लस वन ओवर बी की वैल्यू आ गई 3, आपने 3 पुट करा दिया। सही है, 3 का जो क्यूब होता है, 3 के क्यूब का मतलब होता है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9 9 मल्टीप्लाई बाई 3 27, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा, इज इक्वल टू बी क्यूब ऐसी रहेगा प्लस वन ओवर बी क्यूब ऐसी रहेगा और 3 ऐसी 3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 9 आ जाएगा। अब हमारे पास जो सवाल में जो हमें जो फाइंड करना था, वो हमें फाइंड करना है बी क्यूब प्लस वन ओवर बी क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमारे पास जो आंसर है वो हमारे पास बी क्यूब प्लस वन ओवर बी क्यूब की वैल्यू हमारे पास ऐसी दिख रही है, बस इसमें से अगर 9 वाली टर्म को आप उस साइड इज इक्वल टू के इस साइड शिफ्ट करा दें, तो ज़रा उस साइड शिफ्ट कराते हैं, ये हो जाएगा 27 माइनस 9 और बी क्यूब प्लस वन ओवर बी क्यूब ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि हमने सिर्फ 9 को शिफ्ट करा दिया उधर, 27 को 9 से माइनस कराएंगे तो आपके पास आएगा 18 और बी क्यूब प्लस वन ओवर बी क्यूब की वैल्यू आ जाएगी। ये ऐसे लिखा हुआ है, आप इसको पलट के लिख दें, तो ये हो जाएगा हमारे पास बी क्यूब प्लस वन ओवर बी क्यूब इज इक्वल टू 18। तो दोस्तों इस तरह हमने बी प्लस वन ओवर बी क्यूब की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, जो कि सवाल में हमारे पास रिक्वायर्ड थी, बी क्यूब प्लस वन ओवर बी क्यूब की वैल्यू फाइंड करो, तो हमने यहाँ पर बी क्यूब प्लस वन ओवर बी क्यूब की वैल्यू हमने फाइंड कर ली।
तो दोस्तों आपको फैक्टराइजेशन के जो मेथड्स होते हैं, जैसे रिमाइंडर थ्योरम के जरिए फैक्टराइजेशन करनी होती है या फिर मिडिल टर्म ब्रेक के जरिए फैक्टराइजेशन करनी होती है, अगर आपको उसमें कोई कोई कॉन्सेप्ट आपके वहाँ पे क्लियर नहीं है तो आप हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और उन उसमें आप प्लेलिस्ट में आप मिडिल टर्म ब्रेक या रिमाइंडर थ्योरम के कॉन्सेप्ट आप वहाँ पर एक मतलब जाके वो वीडियोज़ को रिव्यू कर लें तो आपको वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में या मैट्रिसेस मेथड में अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाने में कोई मसला आता है या आपकी बेसिक अलजेब्रा अगर वीक है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और आप बेसिक अलजेब्रा की आप एक बार ओवरव्यू कर लें तो आपको बेसिक अलजेब्रा भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे इस चैनल एजुकेशन सिनेमा को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू।